हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो उस समय के लिए हमारा अभिवादन स्वीकार करें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली ये क्लास नहीं करते हैं। ये क्लास वीक में एक बार होता है। सप्ताह में जो मंडे का दिन आता है उस दिन 7 बजे हम आपसे रूबरू होते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन है कि नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, क्योंकि यू आर इनफाइनाइट। आप जो है, आप क्या है, अनंत हैं। ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये कहना है किनका? स्वामी विवेकानंद जी का, कि हम जो है सब कुछ कर सकते हैं जीवन में। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। तो इनइक्वालिटी डियर फ्रेंड्स क्या होता है? इनइक्वालिटी आखिर हम लोगों को परेशान करता है, बट इसमें वैसा कुछ परेशान करने वाला है नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी में बेसिक बस इतना सा है कि हमारे पास जो ये साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, उसको हम लोग मान लेंगे किंग। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? किंग। जो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है उसको मान लेंगे सोल्जर, और जो इक्वल टू है उसको मान लेंगे पब्लिक। दोबारा सुने, ग्रेटर लेस को आप क्या मान रहे हैं? किंग। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल को आप क्या मान रहे हैं? पब्लिक। तो यहां पर एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास तीनों एक साथ आ जाएंगे, किंग भी आ जाएंगे, पब्लिक भी आ जाएंगे और सोल्जर भी आ जाएंगे, तो हम जो प्राथमिकता देंगे वो किंग को ही देंगे। मतलब किंग हमेशा बड़ा होगा। ये समझने वाली बात है। कुछ और एग्जांपल से समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कभी भी स्टेटमेंट हो, इस तरह का कभी भी स्टेटमेंट हो जो आप देख रहे हैं कि H है, P है, ग्रेटर देन Q है ना, ग्रेटर देन R है, फिर दे दिया ग्रेटर देन S, ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन M, कुछ भी मान लो यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें P और R का अगर कंपैरिजन हम करते हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज देखो कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, मतलब किंग और किंग अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक तरफ फेस है तो किंग ही होगा। मतलब यहां से हम एक चीज पता लगा रहे हैं कि अगर कभी भी साइन एक तरफ हो, एक तरफ, तभी रिलेशन बनेगा, तभी रिलेशन बनेगा, है ना। आप गौर कीजिए, देखिए पी से आर जा रहे हैं, किंग है और सोल्जर है, तो किंग निकल के आया यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? सोल्जर है और किंग है, तो किंग निकल के आया। यहाँ पर पब्लिक और किंग है, तो कौन निकल के आया? किंग निकल के आया। मतलब कभी भी किंग और पब्लिक में या किंग और सोल्जर में अगर यहाँ पर कुछ भी कंपैरिजन होगा तो किंग ही आएगा। इस तरह से अगर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया गया है के जो है ग्रेटर देन एच है और एच ग्रेटर देन पी है, पी लेस देन क्यू, क्यू लेस देन आर, तो पी भी आर से छोटा हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों छोटा हो जाएगा? इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि P से R तक सारा साइन एक ही तरफ है। दूसरी बात, किंग और किंग में बात हो रही है तो कोई किंग ही बनेगा। आगे आगे अगर देखें किंग और सोल्जर, तो किंग ही आएगा। पब्लिक, यहाँ किंग और सोल्जर, फिर से किंग आएगा। पब्लिक और किंग, तो किंग आएगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अगर ये साइन एक साथ आ जाए तो इसमें से जो आप निकालोगे वो इसको निकालोगे। कहीं भी ये साइन अगर एक साथ आ जाए तो इसमें से आप इसको निकालोगे। कहीं भी अगर ये साइन एक साथ आ जाए तो इसमें से इसको निकालोगे। कहीं पे अगर ये साइन एक साथ आ जाए तो इसमें से इसको निकालोगे। कहने का मतलब पब्लिक कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा या तो किंग बड़ा होगा या सोल्जर बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहां देखो, कभी अगर ऐसा हो जाए कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वही रह जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वही रह जाएगा। या आप इसमें देखिए, यहां पर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सोल्जर सोल्जर में सोल्जर ही रह जाएगा, है ना, पब्लिक सोल्जर में तो पब्लिक सोल्जर ही रह जाएगा। कभी कभी नो कंक्लूजन निकलता है। नो कंक्लूजन कब निकलता है? जब फेस टू फेस, ध्यान रखिएगा, जब फेस टू फेस या बैक टू बैक हो, जब फेस टू फेस या बैक टू बैक हो तो रिलेशन नहीं बनता। जैसे यहां देखिए, ये किंग सामने सामने तो लड़ाई होगी, ये सोल्जर और किंग सामने सामने है तो भी लड़ाई होगी, या ये बैक टू बैक है तो भी लड़ाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी फेस टू फेस या बैक टू बैक हो जाए तो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे आप गौर कीजिएगा, यहाँ H से T तक जाना है, ये गौर कीजिए, H लेस देन इक्वल टू T गिवन है, तो ग्रेटर देन हमको बोल रहा है तो हमको नहीं पता, छोटा भी हो सकता है बराबर हो सकता है, ये बड़ा कह रहा है तो H तो बड़ा है ही नहीं, वो तो छोटा या बराबर है, गलत। V ग्रेटर देन H कह रहा है, तो V यहाँ है, H यहाँ है, V यहाँ है, H यहाँ है, सारा साइन किसके फेवर में है? V के फेवर में।
पब्लिक, सोल्जर और किंग, तो किंग ही निकलेंगे। किसके फेवर में है? वी के फेवर में, तो सही हो गया। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखिए, थोड़ा सा स्पीड है क्योंकि 7 मिनट के अंदर आपको समझाना पड़ता है और इसका हम लोग अभी और भी आगे सीरीज करेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। x ग्रेटर देन जेड, x यहां है, जेड यहां, तो आप देख रहे हो x ग्रेटर देन जेड में सोल्जर और किंग में किंग ही निकलेगा, तो सही है। उसके बाद b ग्रेटर देन जेड, b यहां है, जेड यहां, ये फेस टू फेस है, ये देख रहे हो फेस टू फेस है, तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पे, यहां पर k ग्रेटर देन q है, तो ये k से q तो जा ही नहीं पाएंगे, ये फेस टू फेस है, गलत है। h लेस देन n है, h यहां है, n यहां, तो सारा साइन देखो n के फेवर में, ये सारा साइन n के फेवर में, तो ये भी क्या है, ये सही है, है ना। यहां पर अगर देखोगे a ग्रेटर देन x, a यहां है ग्रेटर देन x, सोल्जर और किंग में कौन निकलेगा, किंग निकलेगा, सही है। p लेस देन इक्वल टू f, p यहां है, f यहां है, बैक टू बैक हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मेरा 22 तारीख से बैच आ रहा है डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, हितेश 10 लगाकर या हितेश YT लगाकर आप ये बैच ले सकते हैं। फायदा देखिए अनगिनत है, ये सारा चीज आपको मिलने वाला है। हर मंडे को ये क्लास हम आपके लिए लेके आते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह से क्लास देखते रहें। जब भी जुड़े अकेडमी पर हितेश YT या हितेश 10 के साथ जुड़े। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।